हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगिड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर पे। देखो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, हमने ओजोनोलाइसिस को डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने ओजोनोलाइसिस को दो पार्ट में डिस्कस किया था, रिडक्टिव की बात की थी, ऑक्सीडेटिव की बात की थी। फिर उसके बाद में हमने स्टीफन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। स्टीफन के बाद में हमने इटार्ड रिएक्शन की बात की थी। इटार्ड के बाद में हमने गाटरमैन कोच रिएक्शन की बात की थी। तो ये देखो बच्चों, एक रिएक्शन और भी थी हमारे पास में, कुचरोव रिएक्शन। तो बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार देखने को मिलता है, या तो ओजोनोलाइसिस से देखने को मिलता है, या फिर आपको कुचरोव रिएक्शन से देखने को मिलता है, या फिर कभी कभार इटार्ड रिएक्शन की नेमिंग रिएक्शन एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है यहाँ पे। अब देखो, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी? केमिकल रिएक्शन की और कार्बोनल कंपाउंड की, ठीक है। तो आज की बात करेंगे हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की रासायनिक अभिक्रिया की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड की हम बात करें तो हमारे पास में ये इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनियल, फिर या ऑक्सो ग्रुप कहेंगे। फिर देखो, हमने यहाँ पे बोला था कि ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है यहाँ से एज कंपेयर किसके, कार्बन के। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं, इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। और जैसे ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ, नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ, पॉजिटिव क्रिएट हुआ। यहाँ तक हमने बात की थी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो अटैक होगा वो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। और ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है ये स्लो स्टेप होती, क्या होगी, स्लो स्टेप होगी। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे, इस कार्बन के साथ में अटैक करेगा। तो हमारे पास में ये कंपाउंड बन गया, इधर यहाँ पे इस पे चार्ज नेगेटिव, इसके साथ में कौन जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल के बाद में जो सेकंड अटैक होता है वो अटैक होगा हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल का, किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल का जो स्टेप है ये क्या होता है, फास्ट होगा, ये फास्ट अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे, इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बन जाता है, इस टाइप की स्पीसीज तैयार हो जाती है, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ में क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बना। देखो, यहाँ पे जो इस कार्बन की बात की, इस कार्बन के पास में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp2, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। एक ऑक्सीजन इधर एटम, दो एटम इधर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, sp2। और sp2 की मैंने बात की थी कि यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है, क्या होगी, ट्राइएंगुलर प्लेनर होती है, ठीक है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अंदर देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे दो अटैक, यहाँ पे सॉरी दो एटम्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने हो गए, चार, और ये कार्बन किन से चेंज हो जाता है, sp3 में, किस में कन्वर्ट हो गया, sp3 में। और sp3 की जो स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफाइल के जो अटैक के बाद में है sp2 है, ये sp2 कन्वर्ट किस में जाता है, sp3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का, ये अटैक क्या होता है, स्लो अटैक होगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होता है, ये अटैक कौन सा होता है, यहाँ पे फास्ट अटैक होगा, क्या होगा, फास्ट अटैक होगा। अब देखो, जो बात करते हैं यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, किसका है, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि कार्बोनिल कंपाउंड की बात की जाए तो कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, वो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी है, तो है न्यूक्लियोफाइल एडिशन, कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। अब देखो, यहाँ पे sp2 कन्वर्ट किस में गया, sp3 के अंदर, मतलब ये sp2 की स्ट्रक्चर कौन सी है, ट्राइएंगुलर प्लेनर है, ये कन्वर्ट किस में जाता है, टेट्राहेड्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इस एडिशन अभिक्रिया के अंदर हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे, फर्स्ट तो हम पढ़ेंगे HCN का एडिशन,
किसकी बात करेंगे, एथसिन के एडिशन की बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे NaHSO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड, तो इसके एडिशन की बात करेंगे सोडियम बाईसल्फाइड की। थर्ड जो हम यहाँ पे एडिशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एल्कोल का, किसकी बात करेंगे एल्कोल का एडिशन पढ़ेंगे। यहाँ पे एथसिन का एडिशन एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है कि कार्बोनिल कंपाउंड है वहाँ पे एथसिन का एडिशन करा दिया जाए तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी, कार्बोनिल कंपाउंड है फर्स्ट अटैक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का, और ये अटैक क्या होता है, स्लो अटैक होगा, स्लो स्टेप होगा। उसके बाद में अटैक यहाँ पे किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे क्या होता है, फास्ट स्टेप होगी यहाँ पे। और याद रखा जो स्लो स्टेप होती है वो क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। यहाँ पे इस कार्बन की बात की जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, sp3 के अंदर। यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, ट्राई एंगुलर प्लेनर है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, टेट्राहेड्रल के अंदर। और यदि कार्बोनिल कंपाउंड की यदि अभिलाक्षणिक जो अभिक्रिया की बात की जाए वो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो अब हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ HCN की, किसकी बात करेंगे HCN की, हाइड्रोजन साइनाइड की बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास में एडिशन ऑफ HCN, ठीक है। एक बात याद रखा, जो HCN होता है ये वीक एसिड होगा, क्या होगा, वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस HCN की यदि एडिशन के दौरान हमको याद रखा रिक्वायरमेंट किसकी होती है, बेस की, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेस की, क्यों, क्योंकि ये बेस है ये रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करेगा, क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। तो हमारे पास में देखो ये HCN, ठीक है, HCN के साथ में यहाँ पे बेस, और बेस का मतलब इसके पास में क्या है, OH नेगेटिव है, और ये OH नेगेटिव बेस इसको रिक्वायरमेंट किसकी है, प्रोटॉन की। तो यहाँ पे H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये प्रोटॉन यहाँ से लेगा बेस और कन्वर्ट किस में हो गया, H2 में, यहाँ पे H2 में, और हमारे पास में तैयार क्या हो गया, CN नेगेटिव, क्या तैयार हो गया, CN नेगेटिव। और ये CN नेगेटिव किसके रूप में काम करता है, ये काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में, किसके रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं या तो उसके पास में जैसे लोन पेयर होंगे वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करते हैं, या फिर जितनी भी जो नेगेटिव स्पीसीज होती है जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा वो भी काम किसके रूप में करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करते हैं। अब ये हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पे हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल कौन है, CN नेगेटिव, कौन है, CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। फिर यहाँ पे देखो ये पोलरिटी शो करेगा, और जैसे पोलरिटी शो किया इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव और यहाँ पे कार्बन के पास में चार्ज पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल को चाहिए क्या, इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, CN नेगेटिव कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, और जैसे अटैक किया हमारे पास में एक स्पीसीज ये तैयार हो जाती है, इसके साथ में CN और यहाँ पे sp2, ये कन्वर्ट किस में गया, sp3 में। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, H2 हम लेके चलेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव किसके रूप में काम करेगा, अब काम करता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, और ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक कहाँ पे करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे यहाँ पे अटैक किया इसके साथ में क्या किया, इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये हमारे पास में बन गया, ठीक है। और इस कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन, क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रिन कहेंगे। तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कैसे है, हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें सबसे पहले अटैक किसका है, न्यूक्लियोफाइल साइनाइड नेगेटिव का, उसके बाद में सेकंड अटैक है वो किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का, हमारे पास में तैयार क्या हो जाता है, साइनोहाइड्रिन तैयार हो जाते हैं।
HCN क्या होता है, एक वीक एसिड दुर्बल अम्ल के रूप में काम करता है। इस रिएक्शन को हमको फास्ट करना है तो हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, बेस की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही HCN ये बेस के साथ में रिएक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास में तैयार क्या गया, न्यूक्लियोफाइल। क्या गया, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे, इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी, एडिशन ऑफ HCN की बात की थी। सेकंड जो हम बात करेंगे, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड की, इसकी बात करेंगे, सोडियम बाई सल्फाइड की हम बात करेंगे। सेकंड है हमारे पास में एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड NaSO3H, इसकी बात कर ले, या फिर NaSO3 इसकी बात कर लेते, ठीक है, सोडियम बाई सल्फाइड की बात करेंगे। अब देखो दूसरा हमारे पास जो एडिशन है, वो एडिशन किसकी बात करेंगे, सोडियम बाई सल्फाइड की बात करेंगे, NaSO3 की बात करेंगे। तो हमारे पास देखो NaSO3 के अंदर क्या है, हमारे पास में क्या है, SO3 Na पॉजिटिव प्लस में SO3 नेगेटिव, ये है हमारे पास में, ठीक है। अब देखो यही हमारे पास में फिर से कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे मैंने ले लिया NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड ले लिया। फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ। फिर यहाँ पे Na पॉजिटिव, ये SO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ में, Na इस ऑक्सीजन के साथ में, तो हमारे पास में ये तैयार हो जाता है, इधर कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे है SO3H, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड किसका है, इलेक्ट्रोफाइल का Na पॉजिटिव का, और ये Na पॉजिटिव किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ में, तो हमारे पास में ये स्पीसीज ये तैयार हो जाती है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो छोटी सी बात और भी है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, ट्रांसफ़र होते हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ऐसे इंटरचेंज होंगे, क्या होंगे, इंटरचेंज। तो हमारे पास में ये तैयार हो जाता है, इधर कार्बन ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे SO3 Na, क्या बना है, Na। और ये जो कंपाउंड है ये हमारे पास में आता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और ये ओनली किसके अंदर, ओनली एल्डिहाइड के अंदर, और एल्डिहाइड के साथ साथ कहाँ पे, कीटोन्स में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर बनता है। और ये क्या होता है, एक वाटर सोल्यूबल होगा, क्या होगा, एक वाटर सोल्यूबल होता है। तो ये काम क्या करता है, ये सोडियम बाई सल्फाइड है, ये काम क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करता है कि वहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन है या फिर नहीं है। यदि हमारे पास में वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यदि बनता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब वहाँ पे कीटोन हो सकता है या फिर एल्डिहाइड हो सकता है। और ये जो कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर सोल्यूबल होगा, क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। तो सेकेंड हमारे पास में किसके पढ़ा था हमने, सेकेंड हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। अब जो थर्ड हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास में एडिशन ऑफ एल्कोहल की, जो नेक्स्ट है हमारे पास में एडिशन ऑफ एल्कोहल को हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल, ROH लिखते तो एल्कोहल, ठीक है। अब हमको पता है ROH के अंदर है क्या चीज़, यहाँ पे OR नेगेटिव तो है न्यूक्लियोफाइल, और H पॉजिटिव यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल, क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कौन कर रहा है, OR नेगेटिव, कौन करेगा, OR नेगेटिव। फिर से हमारे पास में ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया हमने, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास में फिर से अटैक किसका है, ओ आर नेगेटिव का अटैक कहाँ पे, इस कार्बन के साथ में, तो ये बना हमारे पास में ओ आर, इसके साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव। फिर यहाँ पे अटैक किसका है, एच पॉजिटिव का अटैक किसके ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये तैयार हो जाता है यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे ओ आर, ठीक है। फिर देखो ये जो बनता है इसको हम कहेंगे हेमी एसिटल, क्या कहते हैं, हेमी एसिटल कहेंगे, ठीक है। फिर देखो ये जो ओ एच है, ये ओ एच मैंने बोला था कि नॉट गुड लिविंग ग्रुप है, नॉट गुड लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से यहाँ से बाहर नहीं चाहिए, नहीं जाता, इस वजह से हमको इसको क्या करना पड़ता है, प्रोटोनेशन करेंगे, और प्रोटोनेशन के लिए हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, यूज एल्कोल का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एल्कोल का। तो हमारे पास में एल्कोल में क्या है, ओ आर नेगेटिव प्लस में एच पॉजिटिव है, ये प्रोटोन किसके साथ में, इस ओ के साथ में जुड़ेगा, और जैसे जुड़ा हमारे पास में क्या बना, एक ऐसी स्पीशीज तैयार होगी ओ आर, फिर यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, फिर हमको पता ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ, ऑक्सीजन पे चार्ज हो गया पॉजिटिव वाला, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वापस से इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो हमारे पास में ये तैयार हो जाता है H2O, क्या हो गया H2O, और ये मैंने पहले भी बात की थी कि H2O अब यहाँ पे क्या हम किसके रूप में करते हैं, कि गुड लिविंग ग्रुप के रूप में, किस रूप में, गुड लिविंग के रूप में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पे चार्ज कौन सा गया, पॉजिटिव वाला, कौन सा है, पॉजिटिव वाला। फिर से हमारे पास में अब न्यूक्लियोफाइल कौन है, ओ आर नेगेटिव, यहाँ पे ये बना, ये न्यूक्लियोफाइल फिर से इस कार्बन के साथ में क्या करेगा, अटैक करेगा, और जैसे अटैक किया हमारे पास में ये तैयार हो जाती है ओ आर, यहाँ पे भी ओ आर, और इसको हम कहते हैं एसिटल, क्या कहेंगे, एसिटल कहेंगे। तो हमारे पास में एक कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, ओ आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ अटैक करेगा, जैसे इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद में किसका अटैक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का है, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक के बाद में कन्वर्ट किस में गया, ओ एच के अंदर, और ओ एच नॉट गुड लिविंग के रूप में काम करता है, तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, और प्रोटोनेशन के अंदर हमने कौन सा यूज़ किया है, एल्कोल यूज़ किया है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये एल्कोल प्रोटोन दिया इस ओ एच को, और ये यहाँ पे क्या बना, एक H2O ग्रुप बना लिया, क्या बना ना, H2O, यहाँ से H2O बाहर निकला, और उसके बाद में इस कार्बन पे चार्ज कौन सा हुआ, पॉजिटिव, और जैसे पॉजिटिव आए अब अटैक किसका होगा, ओ आर नेगेटिव का अटैक होगा, और ये हमारे पास में क्या कहलाती है, एसिटल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एसिटल कहलाएगा। तो हमने एडिशन के अंदर जो कार्बोनिल कंपाउंड किया है, तीन हमने पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एचसीएन की बात की, एचसीएन के बाद में दूसरा हमने सोडियम बाइसल्फाइड की बात की, तीसरा हमने किसकी बात की थी, एडिशन ऑफ एल्कोल की, यहाँ पे हम बात कर चुके। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या फिर रिडक्शन ऑफ कीटोन की बात करें, याद रखा इस रिडक्शन के अंदर आईसीआर के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि दो मेन रिएक्शन आते हैं यहाँ पे, एक तो मैं बात करूँ वोल्फ किस्नर की, दूसरी मैं बात करूँगा क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करूँ, और इनके रिएजेंट पूछे जाते हैं कि वोल्फ किस्नर के अंदर कौन सा रिएजेंट यूज होता है, और जो क्लेमेंसन जो रिडक्शन है उसके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज होता है, इनका काम क्या है, इनका काम है कार्बोनिल कंपाउंड उसको ये कन्वर्ट किस में कर देते हैं, एल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास में रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप या फिर रिडक्शन ऑफ कीटोन ग्रुप, इन दोनों की बात करूँ तो याद रखा इनमें क्या करेगा, ये दोनों, ये जो कीटो ग्रुप है या फिर जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इन्हें दोनों को रिडक्शन के द्वारा कन्वर्ट किस में कर देता है, ये एल्केन में, किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर हम दो चीज़ पढ़ेंगे, फर्स्ट मैं बात करूँ वोल्फ किस्नर, फर्स्ट हमारे पास में कौन सी है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, और वोल्फ किस्नर रिडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं हाइड्रेजीन का,
किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का, जिसको लिखते हैं N2H4। क्या लिखते हैं, N2H4 लिखते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो बेस की भी होती है, और बेस के साथ साथ यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये इथाइलिन ग्लाइकोल एज ए काम करता है मीडियम के रूप में। किसके रूप में काम करेगा, मीडियम के रूप में काम करेगा। इसको हम क्या कहेंगे, वोल्फ-किसनर कहेंगे। क्या कहेंगे, वोल्फ-किसनर। ये रिएक्शन है कैसे, तो हमारे पास में ये है कार्बोनिल कंपाउंड, और यहाँ पे मैंने ले लिया हाइड्रोजन N2H4। क्या लिखा है, N2H4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये भी हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन। तो पहले NH2 एंड हाइड्रोजन। सेकंड है हमारे पास में क्या है, बेस, जैसे मैंने ले लिया NaOH, प्लस में इथाइलिन ग्लाइकोल, जो किसके रूप में काम कर रहा है, एज ए मीडियम के रूप में काम करेगा, और ये इस कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट किस में कर देता है, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर, मतलब एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसको हम क्या कहेंगे, वोल्फ-किसनर रिडक्शन कहेंगे। तो ये एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास में, कि वोल्फ-किसनर रिडक्शन के अंदर हम यूज किसका करते हैं, तो वोल्फ-किसनर रिडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं किसका, हाइड्रोजन का। किसका है, हाइड्रोजन का, जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट किस में कर देता है, हाइड्रोकार्बन के अंदर, और हाइड्रोकार्बन का मतलब यहाँ पे कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये एल्केन के अंदर। जो दूसरा हम जो रिडक्शन है वो हम बात करेंगे क्लेमेंसन। सेकेंड कौन सा हमारे पास में, क्लेमेंसन। दोनों का काम एक ही है, रिडक्शन करना कार्बोनिल कंपाउंड का, और ये कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट किस में करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वोल्फ-किसनर के अंदर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन का, लेकिन और क्लेमेंसन की बात करें, सेकंड में बात करूँगा क्लेमेंसन, और क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर हम यूज करते हैं ZnHg+HCl, जिंक अमलगम किसके साथ में, एसिडिक मीडियम में। फिर से हमारे पास में ये कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड के यहाँ पे मैंने लिख दिया ZnHg और प्लस में HCl, ठीक है, जिंक अमलगम प्लस में एसिडिक मीडियम। फिर ये कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट किस में करेंगे, ये कर देते हैं हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन कहेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है, रिएजेंट वाले कि याद, वोल्फ-किसनर के अंदर यूज किसका करते हैं, तो वोल्फ-किसनर के अंदर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन का। सेकेंड मैं बात करूँ किसकी, क्लेमेंसन की, क्लेमेंसन के अंदर हम यूज़ किसका करते हैं, तो क्लेमेंसन में हम यूज़ करते हैं जिंक अमलगम प्लस में HCl। काम क्या है, तो इनका काम है कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। अब देखो जो नेक्स्ट हम जो रिएक्शन बात करेंगे वो हम करेंगे ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे। अब है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जहाँ पे हमने एल्डिहाइड को और कीटोन की हम दोनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब इसको अच्छे से समझते हैं, यहाँ से ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखो ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बोला था पहले एल्कोल एल्डिहाइड में एल्डिहाइड, फिर उसके बाद में कन्वर्ट किस में होता है, एसिड के अंदर। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो पहले एल्डिहाइड है ये एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट किस में होता है, ये एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर। अब देखो यहाँ पे किस किस का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोला था KMnO4 का, जिसको एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पे बोला था K2Cr2O7 का भी हम यूज़ कर सकते हैं बेसिक मीडियम के अंदर,
या फिर हम यहाँ पे H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके रूप में काम करेंगे, याद रखा ये काम करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। किसके रूप में काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, जहाँ पे एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, ये एसिड के अंदर। अब यदि मैं बात करूँ यही केस किसके अंदर, कीटोन की बात को, किसकी, कीटोन की बात को, तो मैंने ये बोला था कि कीटोन के अंदर यदि नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें, नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें, तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं है। लेकिन यदि फर्दर कंडीशन के, मतलब अब जैसे क्रिटिकल कंडीशन की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, क्रिटिकल कंडीशन की बात करूं, या हम फिर वाइग्रिस कंडीशन की मैं बात करूं, तो इस केस के अंदर जो कीटोन है ये कीटोन चेंज होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होगी, क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो हमने पहले तो क्या बोला कि एल्डिहाइड ये कन्वर्ट किस में होगा, एसिड के अंदर, किस केस में, जैसे मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। दूसरा हम बात करेंगे कीटोन की, तो कीटोन का नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है नहीं है। लेकिन यदि आप क्रिटिकल कंडीशन का, मतलब यदि ऑक्सीजन की, यदि आप यहाँ पे जो कंसंट्रेशन, या मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीजन के जो एटम्स या मोलिक्यूल्स है उसको आप बढ़ा दो, और जैसे आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस को बढ़ा दिया तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल, और इस केस के अंदर कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो ये तो मैंने बात की थी किसकी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। दूसरी मैं यहाँ पर बात करूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एजेट एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है काफ़ी बार यहाँ से। देखो माइल्ड का मतलब क्या है कि इनके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या एक वीक है, क्या है, वीक है। और इस केस के अंदर हम बात करेंगे जैसे टोलेन रिएजेंट की, किसकी बात करेंगे, टोलेन रिएजेंट की बात करें। टोलेन के साथ साथ मैं बात करूँगा यहाँ पे फेलिंग रिएजेंट की, किसकी बात करूँगा, फेलिंग रिएजेंट की। तो ये दोनों है, टोलेन और फेलिंग रिएजेंट है, ये याद रखना, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन कर देते हैं। लेकिन याद रखना ये दोनों कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये काम किसके रूप में करते हैं, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये काम करते हैं यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे पहले मैंने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की मैं बात करूँ, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट किस में होता है, एसिड में कन्वर्ट होगा। तो हमारे पास में यहाँ पे दो सिचुएशन बन सकती है, एक तो है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हमारे पास में ये अवेलेबल है, तो ये काम क्या करेंगे, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करें। दूसरी देखो यहाँ पे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर मैं एक तो बात कर रहा हूँ टोलेन रिएजेंट की, और दूसरा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फेलिंग रिएजेंट की। ये दोनों क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट किस में कर देते हैं, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यदि हम बात करें किसके अंदर, कीटोन के केस के अंदर, तो कीटोन का नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग ले लें या फिर वीक ले लें। लेकिन यदि हमने एक ऑक्सीजन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा की, तो इस केस के अंदर क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये इस कीटोन को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, एसिड के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखा यहाँ पे इस टोलेन जो रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट है ये इस कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते। तो हमको यहाँ पे डिफरेंस कर सकते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कौन करेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन टोलेन एंड रिएजेंट ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कीटोन इनका ऑक्सीडेशन, कीटोन का ये ऑक्सीडेशन करेंगे क्या, तो ये कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करते। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले टोलेन को, फिर हम डिस्कस करेंगे किसको, फेलिंग रिएजेंट को। तो हम पहला जो हम बात करेंगे किसकी, टोलेन रिएजेंट की। यहाँ पे तो हम जो पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन टोलेन टेस्ट।
किसकी बात करें, टोलन टेस्ट की बात करेंगे। और टोलन टेस्ट के अंदर मैंने बोला है कि ये ओनली कौन देगा, ओनली एल्डिहाइड शो करेगा, ये कीटोन शो नहीं करता, शो नहीं करता, ठीक है। एल्डिहाइड शो करेगा, कीटोन इसको शो नहीं करता। अब देखो हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होती है, टोलन रिएजेंट की होती है। किसकी बात करेंगे, टोलन रिएजेंट की। और टोलन रिएजेंट होता क्या है, तो टोलन रिएजेंट होता है अमोनाइटेड, अमोनाइटेड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, टोलन रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। इसके एक बनता कैसे, जैसे मैंने ले लिया AgNO3, और AgNO3 को हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, क्या कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट कहेंगे। और ये सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे NH4OH, जिसको कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास में क्या बन जाता है, AgNH3 का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस का, और इसको हम क्या कहते हैं, टोलन रिएजेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, टोलन रिएजेंट कहेंगे। अब ये टोलन रिएजेंट काम क्या करता है, तो मैंने ये बोला था कि ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, और ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में कर देता है, ये एसिड के अंदर। दूसरा मैंने यहाँ पे बोला था कि कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता। तो इसकी हम बात करते हैं, किसकी, टोलन रिएजेंट की। तो टोलन रिएजेंट होता क्या है, अमोनाइटेड सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे, टोलन रिएजेंट कहेंगे। ये टोलन रिएजेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, इसको हम क्या कहते हैं, TR कहेंगे। या फिर हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन वो भी हमारे पास में क्या कहलाएगा, टोलन रिएजेंट कहलाता है, टोलन रिएजेंट, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे, इसकी हम बात करते हैं ऐसे कि कैसे ये एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडेशन करेगा। और इसमें याद रखा, इससे टोलन के अंदर जो एजी है उस एजी का क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होगा, क्या होगा, रिडक्शन होता है। ऐसे हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि जे हमारे पास में ये है एल्डिहाइड, और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया टोलन रिएजेंट, यहाँ पे प्लस। एक बात ये याद रखना, इस टोलन रिएजेंट के अंदर हमको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, बेसिक मीडियम की, किसकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक मीडियम की। और ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करेगा, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है एसिड में, किस में कन्वर्ट किया, एसिड के अंदर। फिर जो यहाँ पे एजी है, ये एजी कौन से फॉर्म में, तो हमको पता है प्लस वन में, किस में है, प्लस वन में, क्योंकि यहाँ पे NH3 जीरो। और जब किसी स्पीसीज पे चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, वो उसकी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पे एजी क्या है, प्लस में, और ये एजी कन्वर्ट हो जाती है, एजी प्लस कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल एजी के अंदर, ठीक है, न्यूट्रल के अंदर। फिर यहाँ पे साथ में NH3 और प्लस में H2, क्या होगी, H2। तो यहाँ पे देखो जो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में यहाँ पे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फिर यहाँ पे देखो Ag प्लस है, ये Ag प्लस कन्वर्ट किस में हो रहा है, न्यूट्रल Ag के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टोलन टेस्ट के अंदर या की बात करें, तो यहाँ पे Ag का तो क्या होता है, Ag प्लस का तो हो गया रिडक्शन, और यदि बात करूँ एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट किस में जाता है, एसिड के अंदर। इसको टोलन टेस्ट भी कहते हैं, या फिर इसका एक नाम और है, सिल्वर मिरर टेस्ट, क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहा जाता है, रजत दर्पण परीक्षण भी इसको हमें कहते हैं। जो कौन शो करता है, जो एल्डिहाइड शो करता है, लेकिन कीटोन शो नहीं करता। जैसे मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, देखो एल्डिहाइड है, और यदि हमने यहाँ पे TR यूज किया, टोलन रिएजेंट, तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका है, एल्डिहाइड का, और कन्वर्ट किस में है, एसिड के अंदर, तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूँ C6H5CHO, जिसको हम कहते हैं बेंजल डिहाइड, क्या कहेंगे, बेंजल डिहाइड,
यहाँ पे मैंने TR लिया, टोलिन रिएजेंट, तो इस एल्डिहाइड को क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से कन्वर्ट किस में किया इसने, बेंजोइक एसिड के अंदर, किस में कन्वर्ट किया, बेंजोइक एसिड के अंदर, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, टोलिन टेस्ट कहलाएगा। सेकंड जो हमारे पास में है वो कौन सा है, फेलिंग टेस्ट, कौन सा है, फेलिंग टेस्ट। और मैंने बात की थी कि फेलिंग टेस्ट भी है वो एल्डिहाइड शो करता है, लेकिन याद रखा कीटोन शो नहीं करता। तो ये कीटोन और एल्डिहाइड के बीच में डिफरेंस करने का, डिफरेंस भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास में फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन ये ओनली कौन शो करेगा, ओनली एल्डिहाइड शो करेंगे। यदि दूसरी बात की जाए कीटोन, तो ये कीटोन ये शो नहीं करता, कीटोन शो नहीं करता। अब देखो फेलिंग सॉल्यूशन है ये, यहाँ पे दो सॉल्यूशन से मिलकर बना है, जैसे मैं बात करूँ सॉल्यूशन ए, सेकंड हम बात करेंगे सॉल्यूशन बी, इसकी बात करें तो सॉल्यूशन ए के अंदर हम यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट, किसका, कॉपर सल्फेट, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉपर सल्फेट प्लस में 5H2, क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस में 5H2, जिसको हम कहते हैं ब्लू विट्रियोल, क्या कहेंगे, ब्लू विट्रियोल कहते हैं, नीला थोता कहते हैं। और इसका जो कलर है ब्लू, वो ब्लू किसकी वजह से है, तो याद रखा कॉपर प्लस टू की वजह से, किसकी वजह से, कॉपर प्लस टू की वजह से। सॉल्यूशन बी की हम बात करें तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, किसकी बात करेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की हम बात करेंगे। ये दोनों का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फेलिंग सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। जहाँ पे जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करता है, एसिड के अंदर। और यदि कीटोन की बात करें तो कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं करता, ये याद रखना है यहाँ से, ठीक है, किसकी बात करें, फेलिंग सॉल्यूशन के। और फेलिंग सॉल्यूशन हमारे पास में क्या है, तो यदि आपसे पूछा जाए तो ये याद रखा एल्किलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक टार्ट्रेट का जो क्षारीय जो विलयन है, वो विलयन क्या कहलाता है, फेलिंग सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। जहाँ पे सॉल्यूशन ए है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट है, या हम यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट प्लस में 5H2, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहेंगे। इसका जो ब्लू कलर है वो किसकी वजह से, तो याद रखा कॉपर प्लस टू आयन की वजह से। दूसरा हमारे पास में जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन कौन सा है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, और इन दोनों को मिलाते वो क्या कहलाता है, फेलिंग सॉल्यूशन कहलाएगा। ये हमेशा कौन देता है, ये एल्डिहाइड शो करते हैं, लेकिन कीटोन ये शो नहीं करेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक टार्ट्रेट का जो क्षारीय विलयन है, वो क्षारीय विलयन क्या कहलाता है, फेलिंग सॉल्यूशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखो ये होगा क्या, इसे जैसे हमारे पास में ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, फिर मैंने यहाँ पे कॉपर प्लस टू, और इसका कलर यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर, और ये फिर यहाँ पे ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करेगा, एसिड में, कन्वर्ट किस में करा है, एसिड में, और ये खुद कन्वर्ट किस में जाता है, CO2 के अंदर, किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 के अंदर, CO2, जहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, +1, कितनी है, +1, तो आप देखो +2 से कन्वर्ट किस में हो रहा है, +1 में, इसका मतलब यहाँ पे इसका तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर देखो एल्डिहाइड में एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, और जब ऑक्सीजन का एडिशन है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को कन्वर्ट किस में करता है, एसिड के अंदर, और ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर कन्वर्ट किस में हो जाता है, तो याद रखना रेडिश कलर में, किस में कन्वर्ट होगा, रेडिश कलर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है,
प्लस टू, यहाँ पे कितने हैं प्लस वन, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो हमने अब किसकी बात की थी, टोलन रिएजेंट की बात की थी, टोलन के बाद में मैंने कौन सी बात की थी, फेलिंग सॉल्यूशन की बात की थी। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट हम लिखते हैं, यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि टी आर टोलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट इन दोनों के कंपेरिजन में यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जाती है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा किसकी होती है उसकी हम बात करते, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कि नॉट पॉइंट, ठीक है। मैं नॉट पॉइंट की बात कर लेता हूँ, तो याद रखा टी आर टोलन रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन इन दोनों की कंपेरिजन की बात की जाए तो याद रखा जो टी आर होता है टोलन रिएजेंट होती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो क्या होती है फेलिंग सॉल्यूशन की कंपेरिजन में क्या होती है ज़्यादा होती है। और जब ज़्यादा है इस वजह से याद रखना ये बेंजल्डिहाइड की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं बेंजल्डिहाइड की हम बात करें, और बेंजल्डिहाइड जो टी आर है ये तो इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें बेंजोइक एसिड में, किसमें कन्वर्ट करा है बेंजोइक एसिड के अंदर कौन टी आर। लेकिन यदि आपको यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन दिया जाए तो फेलिंग सॉल्यूशन इसका ऑक्सीडेशन नहीं करता, तो ये भी आपको खास बात याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड किसके द्वारा ऑक्सीडाइज होता है, तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है किसके द्वारा टी आर के द्वारा, फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्यों, क्योंकि टी आर है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है एज कम्पेयर यदि फेलिंग सॉल्यूशन की बात की उसकी क्या होती है ज़्यादा होती है, या फिर हम बोल दें कि फेलिंग सॉल्यूशन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या होती है कम होती है किससे टी आर से होती है। इस वजह से याद रखा टी आर बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा और कन्वर्ट किस में कर देता है इसको बेंजोइक एसिड के अंदर। और यदि हम बात करें फेलिंग सॉल्यूशन की तो फेलिंग सॉल्यूशन इसका ऑक्सीडेशन नहीं करता, तो हम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करता है कौन सा नहीं करता। तो हमने यहाँ पे आज ऑक्सीडेशन की बात की थी, ऑक्सीडेशन के बाद में मैंने यहाँ से जो कार्बोनिल कंपाउंड है उस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर मैंने बोला था कि कौन सी रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर हमने एचसीएन की बात की थी, एल्कोहल की बात की थी, सोडियम बाई सल्फाइड की बात की थी, फिर मैंने रिडक्शन पढ़ाया था, रिडक्शन में दो चीज़ मैंने बोला था कि आपको दोनों चीज़ के रिएजेंट आपको याद रखना है, जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड को कन्वर्ट किस में करता है हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंदर कन्वर्ट करता है, यदि हमने हाइड्रोजन यूज किया तो कहलाएगा वोल्फ किस अंदर, और यदि हमने वहाँ पे जिंक अमलगम यूज किया तो वो कौन सा कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाता है। अब देखो जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये दोनों एग्जाम जेट के अंदर और आईसीआर के अंदर दोनों एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम बात करेंगे वह करेंगे मैथिल कीटोन का ऑक्सीडेशन, कि इसकी बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मैथिल कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल कीटोन, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है और इसको हम बोल सकते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट, क्या कहेंगे हेलोफॉर्म टेस्ट कहेंगे, ठीक है हेलोफॉर्म टेस्ट। अब देखो मेथिल कीटोन का मतलब क्या है, जैसे इसको लिख दूं यहाँ से, ये हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड, फिर इसके साथ में एक कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के साथ में जैसे जुड़े हुए हैं तीन हाइड्रोजन, तो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, इसके साथ में ये कौन सा कार्बन हो गया अल्फा कार्बन हो, क्या हो गया अल्फा कार्बन होगा, और ये अल्फा कार्बन है यहाँ पे क्या करेगा ये ऑक्सीडाइजिंग होगा, और जैसे ऑक्सीडाइजिंग होगा ये एक तो बनाता है सोल्ट, क्या बनाएगा सोल्ट बनाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सोल्ट है, सोल्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या बनेगा सी अक्स थ्री, क्या बनेगा सी एच अक्स थ्री बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे हेलोफॉर्म कहेंगे, क्या कहेंगे हेलोफॉर्म कहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स की जगह यदि क्लोरीन है तो इसको हम बोलेंगे सी एच एल थ्री, जिसको हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म, क्या कहेंगे क्लोरोफॉर्म कहेंगे क्लोरोफॉर्म। यदि सी एच की तरह यहाँ पे बी आर है तो इसको हम कहेंगे ब्रोमोफॉर्म, क्या कहते हैं ब्रोमोफॉर्म कहते हैं।
और यदि यहाँ पे अक्ष की जरह आई है तो इसको हम कहते हैं आइडोफोम। क्या कहेंगे? आइडोफोम कहेंगे। और इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? हेलोफोम कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलोफोम कहेंगे। खास बात ये आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो आइडोफोम है ये केवल और केवल येलो पीपीटी बनाता है, इसके अलावा कोई भी पीपीटी नहीं देता। कौन शो करेगा? तो वो शो करता है आइडोफोम। कौन करेगा? आइडोफोम। अब देखो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट किसकी करते हैं, यहाँ पे हम या तो अक्ष टू लेके चलते हैं हेलोजन, हेलोजन के साथ साथ हम यहाँ पे बेस लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? बेस। और आपको ये मोल्स याद रखना है, हेलोजन के जो मोल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है 3 मोल। कितनी होगी? 3 मोल। और जो यहाँ पे अपने पास में जो बेस है इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितने मोल की रिक्वायरमेंट होती है? 4 मोल की। कितने की है? 4 मोल की। तो हम यहाँ पे जो अपना जो ऑक्सीडेशन और मैथिल कीटोन की बात करूँ तो यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड ये कन्वर्ट किस में हो गया? ये सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और सोल्ट के साथ साथ कन्वर्ट किस में हो रहा है? CH3 में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? हेलोफॉर्म कहेंगे। यदि अक्स की जगह क्लोरिन है तो इसको हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म कहेंगे। यदि अक्ष की तरह यहां पे Br है तो इसको हम कहेंगे ब्रोमोफॉर्म कहेंगे। यदि अक्ष की जगह यहां पे आयोडीन है तो इसको हम क्या कहेंगे? आयोडोफॉर्म कहेंगे। और ये आयोडोफॉर्म क्या होता है? ये येलो पीपीटी शो करेगा। यहां पे हम क्या हेलोजन के कितने मोल? 3 मोल लेते हैं। और जो NaOH है, NaOH के यहां पे मोल कितने लेके चलते हैं? हम 4 मोल यहां पे लेके चलते हैं यहां से। तो हमने यहाँ पे ये हेलोफॉर्म की बात की थी और इस हेलोफॉर्म को आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।